तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1/10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की R-रेटेड वर्जन है।
काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो, और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बार्टोलुसी ने। बर्नार्डो बार्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने, और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने, और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में, और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था, और बजट $15 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है, एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है, और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की,
तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है। और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो आईएमडीबी रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो, और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने, और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने, और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था, और बजट $15 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का
रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है, एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है, और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की, तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है, और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो आईएमडीबी रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है, और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है, काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो, और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी, आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बार्टोलुसी ने। बर्नार्डो बार्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने, और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी, पेनिसुला फिल्म्स, और
डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की, कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है, एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफ्रॉन कैलफॉन की, तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है। और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें, तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको, अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, Amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और Amazon Prime Video पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में, कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था।
फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, Amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और Amazon Prime Video पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं।
सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप
रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पेर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDB रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को।
आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो, और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियांचेटी ने, और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने, और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था, और बजट $15 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के कैरेक्टर को प्ले किया है, एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने
इसाबेल के कैरेक्टर को प्ले किया है, और लुइस गैरल ने थियो के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, और उसके आगे अना चांसेलर ने मदर के कैरेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की, तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही कैरेक्टर प्ले किया है, और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के कैरेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो आईएमडीबी रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है, काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो, और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी, आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने, और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने, और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था
6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 मिलियन डॉलर का रहा था और बजट 15 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15.12 मिलियन डॉलर का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है, एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफ्रॉन कैलफॉन की, तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है। और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो आईएमडीबी रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने।
और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरेमी थॉमस ने। एक्टर्स की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, Amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और Amazon Prime Video पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी, आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना।
आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, Amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और Amazon Prime Video पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी।
आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर
स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा। सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के कैरेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के कैरेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के कैरेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में।
उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की, तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है। और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो आईएमडीबी रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बार्टोलुसी ने। बर्नार्डो बार्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और
बजट 15 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15.12 मिलियन डॉलर का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने ईसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है। रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफ्रॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो आईएमडीबी रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी, आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो
कादरी ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था, और बजट $15 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की, कि कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करैक्टर को प्ले किया है, एंड उसके आगे एबा ग्रीन ने इसाबेल के करैक्टर को प्ले किया है, और लुइस गैरल ने थियो के करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में, और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करैक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की, तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करैक्टर प्ले किया है, और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करैक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की, तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको, अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, Amazon.com पर बाय भी कर सकते हो, और Amazon Prime Video पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी, आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में, कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के
हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा तो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को जो डायरेक्ट भी किया है आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, Amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और Amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी
आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो द ड्रीमर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। 2003 में रिलीज़ हुई द ड्रीमर्स मूवी के काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि द ड्रीमर्स मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे फुल डिटेल में इस मूवी के बारे में कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के पूरी ही टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, और बात करेंगे इस मूवी के हम बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। बर्नार्डो बर्टोलुसी जो कि एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का गिलबर्ट अदेयर ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को जेरमी थॉमस ने। एक्ट्रेस की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में आपको लीडिंग रोल में माइकल पिट देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे एवा ग्रीन देखने को मिल जाते हैं, लुइस गैरल देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो द ड्रीमर्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है फैबियो चियानचेटी ने और एडिट की है इस मूवी को जैकोपो क्वाद्री ने। प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के रिकॉर्डेड पिक्चर कंपनी पेनिसुला फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को TFM डिस्ट्रीब्यूशन ने, मेदूसा डिस्ट्रीब्यूशन ने और फॉक्स स्टारलाइट पिक्चर्स ने। उसके आगे अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 6 फरवरी 2004 में। और उसके आगे इस मूवी की अगर हम बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम जो कि 115 मिनट्स है। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15 मिलियन का रहा था और बजट $15 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.12 मिलियन का रहा था। सो उसके आगे हम बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसके करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में इस मूवी में माइकल पिट ने मैथ्यू के करेक्टर को प्ले किया है एंड उसके आगे एवा ग्रीन ने इसाबेल के करेक्टर को प्ले किया है और लुइस गैरल ने थियो के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। और उसके आगे अना चांसलर ने मदर के करेक्टर को प्ले किया है, रॉबिन रेनुसी ने फादर के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे बात करें जीन पेर कैफलॉन कैलफॉन की तो उन्होंने इस मूवी में हिमसेल्फ का ही करेक्टर प्ले किया है और जीन पियर्स लियाउंड ने हिमसेल्फ के करेक्टर को भी प्ले किया है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि इस मूवी में जो IMDb रेटिंग है कितना एंड रिव्यूज़ कितना मिला हुआ है इस मूवी को। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 7.1 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। और उसके आगे बात करें इस मूवी के अगर वोटर्स की तो इस मूवी को वोट मिला हुआ है जो वो है 1,27,000 वोट्स। और इस मूवी के बात करें अगर स्टोरी की एंड क्या कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा, सो ये एक आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, आप इसको इरोटिक फिल्म कह सकते हो, एक टाइप की आर रेटेड वर्जन है। काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और इस मूवी में काफ़ी बढ़िया जो बर्नार्डो बार्टोलुसी ने इस मूवी को
जो डायरेक्ट भी किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी। सो ज़रूर से देखना चाहिए आपको अगर आप रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। सो उसके आगे बात करें कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी, उसकी बात करें तो इस मूवी को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, amazon.com पर बाय भी कर सकते हो और Amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें।